नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। कोरोना से राहत की सांस, 1.5 सदी से भी कम हुए एक्टिव केस, फिर पड़ी रिकवरी होने की संख्या। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 43,393 नए मामले आए सामने और 44,459 लोग हुए कोरोना से रिकवर। पीजीआई में इलाज के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा फिलहाल नहीं होगी शुरू। पीजीआई शासन के अनुसार अगर एकदम से मौके पर पंजीकरण के जरिए ओपीडी शुरू कर दी गई तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। लुधियाना में पुलिस कर्मी की गाड़ी की चपेट में आने से बच्ची की मौत। लोगों ने 2 घंटे तक रोड किया जाम। बच्ची दुकान से सामान लेकर अपनी माँ के साथ लौट रही थी घर। बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान पंजाब की भारत पाकिस्तान सीमा के पास मिली 1 किलो 560 ग्राम हेरोइन। ऑपरेशन की अगुवाई अमरकोट 103 बटालियन के कमांडर एसएन गोस्वामी ने की। ह्युंडई के प्रबंधक निर्देशक ने की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात। कंपनी देश में नया प्रोजेक्ट लगाने को इच्छुक। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में हाल ही में बने कंपनी के भारतीय मुख्यालय के उद्घाटन का निमंत्रण दिया, उसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में जल्द खुलेंगे स्कूल व कॉलेजेस। इसके साथ ही सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने के बारे में भी किया बड़ा फैसला। हरियाणा में नई शिक्षा नीति 5 साल पहले की जाएगी लागू। केंद्र ने 7 पुल और 5 सड़क के लिए हिमाचल को जारी किए 194 करोड़। हिमाचल देश के 7 पुल और 5 सड़क के लिए केंद्र सरकार से करोड़ का बजट जारी होने से लंबित कार्यों में आएगी गति। अंतिम दर्शन के लिए आज रीज मैदान पर रखा गया वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर। वीरभद्र को श्रद्धांजलि देने शिमला आए जेपी नड्डा और राहुल गांधी। बाड़ा हिंदूराम में रंजिशन प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग, 2 राहगीरी की मौत। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से कर रही पड़ताल। दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बरसात। बीती रात भी गिरी थी राहत की बूंदे। मध्यम बारिश होने के साथ साथ 20-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे ऐसे ही कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।